नमस्कार दोस्तों, संदीप कुमार शर्मा 12 आपका दोस्त और होस्ट। आज हम बात करेंगे प्ले पॉइंट्स, कैसे प्ले पॉइंट्स से हम जो है हमारे पर प्ले पॉइंट्स, उसको गूगल प्ले क्रेडिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे मेरे पास गूगल प्ले है, उसमें प्ले पॉइंट्स 22,000 कुछ, 2200 कुछ है। वॉइस सर्च बटन, तो क्या विंडो 1 यूआई होम पेज 1 ऑफ 4, सॉरी, तो क्या मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ गूगल प्ले के बैलेंस में? तो चलिए यही सीखते हैं। प्ले स्टोर पर चलेंगे, ये हमारा प्ले स्टोर है और यहाँ पर साइंड अकाउंट एंड सेटिंग्स पे क्लिक किया हमने। प्ले पॉइंट्स प्लैटिनम 2226 पॉइंट्स 326 पॉइंट है, प्ले स्टोर क्लिक कर देते हैं। प्ले पॉइंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, सिलेक्टेड अर्न टैब, सारा ऑप्शन लिखा हुआ है। यू आर प्लैटिनम लेवल अर्निंग 1.43 सिलेक्टेड अर्न टैब, यहाँ पर अर्न है, आप काफी सारी एप्लीकेशनों को इंस्टॉल कर करके कमा सकते हो, लेकिन ये छोड़िए। यूज टैब, ये यूज करने का तरीका है, इस पे क्लिक कर दीजिए। सिलेक्टेड, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लूडो नॉट सिलेक्टेड, कैटेगरीज टिक बॉक्स, नॉट सिलेक्टेड प्ले क्रेडिट टिक बॉक्स, दो ऑप्शन है। तो हम कैटेगरी में, तो देखो यहाँ पर ये लूडो किंग है, आपको ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब भले कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिनको आप यूज़ करना चाहें, तो जैसे ये गूगल प्ले क्रेडिट, देखिए नीचे गूगल प्ले क्रेडिट लिखा हुआ है और उसके नीचे क्या है मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। योगिता शर्मा मोबाइल, सॉरी फोन आ रहा है बीच में। बैक बटन, विंडो नेविगेशन बार, देखिए बैक ट्रूकॉलर, बैक प्ले स्टोर, ठीक है देखिए गूगल प्ले क्रेडिट, गूगल प्ले क्रेडिट है और इसके बाद स्टामिका सिक कैरियर 10 रुपीस है और ये 10 कॉइंस फॉर 200 पॉइंट्स, 10 कॉइंस 200 पॉइंट्स ऐसा कुछ है इसमें। गेट इट व्हाइल इट लास्ट। तो अपन को तो प्ले अपन को क्रेडिट कार्ड है गूगल प्ले में, हमारा बैलेंस कितना है पहले अपन चेक कर लेते हैं, ताकि आपको एक्सेसिबिलिटी बटन एक्सेस कोई कंफ्यूजिंग नहीं हो। बैक करता हूं मैं, बैलेंस चेक करा देता हूं आपको गूगल प्ले का अकाउंट बैलेंस। प्ले पॉइंट्स प्लैटिनम माय नोटिफिक पेमेंट्स एंड आप देखो प्लेस सब्सक्रिप्शन बजट एंड हिस्ट्री रिडीम कोड पेमेंट मेथड, ये देखो पेमेंट मेथड हमारे गूगल मेथड में जो पैसा है गूगल प्ले में। गूगल प्ले बैलेंस 66 रुपीज एंड 92 पैसे एक्सपायरिंग ऑन द 12th ऑफ मई। 66 रुपीज आए हमारे गूगल में और 12th मई बैक, ये एक्सपायर हो जाएगा पता नहीं कब होगा, ठीक है देख लेंगे वो। तो अब हम, लेकिन हमें तो साइन इन 66 रुपीज हमारे पास है, अब थोड़े रुपए और बढ़ाते हैं। प्लैटिनम प्ले पॉइंट्स पे क्लिक किया और ये प्ले पॉइंट्स आपको मिलते कैसे हैं पहले इस पे बात करते हैं। आप जो भी एप्लीकेशन खरीदते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके आपको अलग से प्ले पॉइंट मिलते हैं, तो उनसे ही एकत्रित होते हैं। सिल्वर होता है और ज़्यादा 6,000 से ऊपर होते हैं, फिर प्लैटिनम हो जाता है, फिर और ऐसे ऐसे होता है ना। तो यूज पे चल लेते हैं और यहाँ पर हम नीचे चलेंगे, पहले ऊपर तो कैटेगरी लूडो किंग की कैटेगरी, दूसरी है गूगल प्ले क्रेडिट, गूगल प्ले क्रेडिट। अब चेक करते हैं कैसे काम करेगा, देखिए 5 रुपीज गूगल प्ले क्रेडिट फॉर 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स से आपको 5 रुपए मिलेंगे। 10 रुपीज गूगल प्ले क्रेडिट फॉर 200 पॉइंट्स और 10 रुपीज आपको मिलेंगे 200 कॉइन से। 25 रुपीज गूगल प्ले क्रेडिट फॉर 500 पॉइंट्स, 10 रुपीस गूगल प्ले क्रेडिट फॉर 200 पॉइंट्स, 25 रुपीस गूगल प्ले क्रेडिट फॉर 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स हमको 25 रुपए मिलेंगे। 50 रुपीस गूगल प्ले क्रेडिट फॉर 1000 पॉइंट्स और फिर 50 रुपए अपन को मिलेंगे 1000 कॉइन अगर हमारे पास होंगे, हमारे पास है 2226। 250 रुपीस गूगल प्ले क्रेडिट फॉर 5000 पॉइंट्स, 150 रुपीस गूगल प्ले क्रेडिट for 3000 points, 50 rupees google play credit for 1000 points, to apna 1000 apna 2000 point hai, to agar maine is pe 150 rupees google play credit for 3000 points, 3000 point hone chahiye hamare paas, itne to hai nahi hamare paas 2200 hai, to hum isse 50 rupees google 50 rupees ka ek navigate up button, ab dekhiye once points have been used the play credit can't be refunded, theek hai use google play store abhi google play play points balance 2226. Credit expires in 1 year. Use points button. 50 rupees Google. Current item costs 1000 play points. Use point. In progress. Progress bar. Your play credit balance is 116 rupees and 92 paise. Play store. Navigate up button. Once points have been used, the use 1000 points button. 50 rupees Google Play credit heading. 50 rupees Google Play payment. Use 1000 points button.
ठीक है, अब हमारा ये हो गया काम, अब और देखते हैं क्या है। करंट आइटम कॉस्ट 1226, प्ले पॉइंट्स बैलेंस, हमारा हो गया रिचार्ज 1000। अभी हम 50 रुपये और 50 रुपये और भी ले सकते हैं, तो वो भी ले लेते हैं। चलिए 1200 यूज पॉइंट्स, यूज पॉइंट करते हैं। इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार बैलेंस आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, देखिए रिचार्ज हो रहा है। योर प्ले क्रेडिट बैलेंस इज 166 रुपीज एंड 92 पैसे, ये लीजिए। प्ले स्टोर नेविगेट अप, यूज 1000 पॉइंट्स बटन डिसेबल्ड। अब हमारे पास पॉइंट नहीं है, हमारे पास थोड़े ही पॉइंट बचे हैं। बैक बैक चलते हैं अपन, बैक यूज, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस कितना अपने पास रहा है। नॉट सेलेक्ट, यहाँ पर चलते हैं। You have 226 points. Points expire on the 20th of May. हमने 226 ही points बचे हैं, मैंने ले लिए सारे, यानी कि 2000 points का मैंने purchase कर लिया। अब देखिए, signed in हमारा balance check करते हैं। Account play points platinum 226. My apps and games. Notification payments and subscription. अब देखिए, Play Store budget and redeem code. Subscriptions payment method. Payment methods. Mastercard 8500 and Google Play balance 166 rupees and 92 paise expiring on the 12th of May 2025, 10 rupees. Expiring within 1 year. Payment method Google Play balance 166 rupees and 92 paise expiring on the 12th of May 2025. अब ये बाय 12 मई 2025 को खत्म हुआ, यानी कि हमारे पास 66 रुपए थे, हमने 100 रुपए और कमा लिए, तो यानी कि 166 रुपये हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमारे पास 166 रुपये का बैलेंस, हमें कोई एप्लीकेशन खरीदनी होगी 166 रुपये तक की, तो हम आराम से खरीद लेंगे मज़े से। तो ये है गूगल प्ले पॉइंट का सिस्टम। स्टॉप।